हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। और आज हम आपको अपना जर्नी दिखाने वाले हैं फ्रॉम कैलकटा टू अहमदाबाद बाय फ्लाइट। सो बने रहिए हमारे साथ। और बाहर काफ़ी जोरों का बारिश हो रहा है, प्रोबेबली होप दैट द फ्लाइट टेक्स ऑन एट राइट टाइम। बाहर दिखाते हैं आपको बारिश का हालत जो है। जूता पहन के तो जा नहीं सकते, जहाँ तक लगता है चप्पल पहन के गाड़ी तक जाएंगे फिर जूता लगाएंगे। हम एयरपोर्ट की तरफ बाली ब्रिज होके हम एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे और थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। वैसे फ्लाइट है सामने 4:50 में, 2 घंटा पहले पहुंचना है, तो हमको जल्दी निकल पड़े हैं। हम अभी बाली ब्रिज पहुंच गए हैं। बाली ब्रिज के ऑपोजिट में है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। आपको जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूं। ये आप देखिए जूम करके, रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा है, इसीलिए कुछ कंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ लगे हुए हैं। देखिए गंगा किनारे ही है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। और अब हम पहुंच गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है कलकत्ता एयरपोर्ट। ये मेरे आगे आप देख सकते हैं। ये रोड ऊपर की तरफ है डिपार्चर और नीचे की तरफ से है अराइवल। वेल, सेकेंड लॉकडाउन के बाद ये मेरा पहला फ्लाइट जर्नी है, तो देखते हैं कैसे रेस्ट्रिक्शंस है अभी। वैसे अभी तक तो कुछ खास रेस्ट्रिक्शन लगा नहीं मुझको है अभी, बिकॉज अभी काफ़ी इजी हो गया है जर्नी। इट्स लाइक नॉर्मलाइज्ड। अब तो बीच वाले सीट में जो पीपी की देते थे या मास्क और जो फेस शील्ड देते थे वो भी नहीं दे रहे हैं, नॉर्मली सब कोई बैठ रहे हैं। हाँ, मास्क लगाना ज़रूरी है कुछ एरिया में, कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि आपको नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेके जाना है या फिर यू मस्ट बी डबल डोज वैक्सीनेट। और अब मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ। वैसे मेरा वेब चेकिंग किया हुआ है, तो एक जो ट्रॉली है वो मैं दे देता हूँ और फिर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। और अभी सिक्योरिटी चेकिंग कर लिया है आपने, अंदर आ गए हैं और यहाँ पे देखते हैं कैसा है फूड कोर्ट। वैसे सोच रहा था कि लाउंज में थोड़ा टाइम बिताऊं, VIP लाउंज में, लेकिन बेकार में वेस्ट क्यों करना है। घर से खाना खा के आया हूँ, अभी पेट भी भरती है, जब ज़रूरत पड़ेगा तब किया जाए, बेकार में ये है उसको वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं रनवे दिख रहा है, कुछ प्लेन्स खड़े हुए हैं। प्लेन वॉचिंग इज़ रियली वंडरफुल। ये काफ़ी लोगों का हॉबी है प्लेन्स को लैंड करते हुए देखना। एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव है, उनका भी घर एयरपोर्ट के नज़दीक है और उनके छत से दिखता है एयरपोर्ट में जो भी प्लेन लैंड करता है या टेक ऑफ करता है। घंटों बीत जाते हैं वैसे वहाँ पर अगर खड़े रहते हैं। और ये एस्केलेटर जैसा है, यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, ये ऑटोमेटिक आपको आगे ले जाता जाएगा।
और मेरा गेट नंबर है 14। चलते हैं आगे। वैसे मेरा जो फ्लाइट है कैलकटा टू अहमदाबाद, ये 2.5 घंटे का फ्लाइट है। और नीचे आप देख सकते हैं ये है अराइवल, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। देयर आर सम ट्रीज, सम वाटर बॉडीज। और अभी हम फ्लाइट में बोर्ड करते हुए, पूरा भीड़ हो गया है बिकॉज चेकिंग करके अंदर ले जाया जा रहा है। चेकिंग मतलब देखिए, यहाँ पे एयरपोर्ट में जैसे मैंने एंटर किया वहाँ पे बस थर्मल चेकिंग हुआ टेम्परेचर का, मेरा आईडी देखा गया और टिकट, और उसके बाद जब बोर्ड कर और उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग किया गया, और जब बोर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे फिजिकल चेक भी किया गया, पॉकेट के अंदर किया है, बस इतनी और कुछ खास नहीं। और जैसे मैंने बोला था, अभी ना तो फेस शील्ड मिल रहा है, ना मास्क, ना सैनिटाइज़र जो पहले किट दिया जाता था जो मिल में बैठते हैं उनके लिए, अब सब कुछ नॉर्मल है। सब बस मास्क पहनिए, अपना मास्क पहनिए और बैठे रहिए। और अभी अपने फ्लाइट को कुछ मिल चुका है, इट्स गेटिंग पुश बैक to run on the runway। और ये देखिए कलकत्ता का एरियल व्यू कितना शानदार दिख रहा है। वैसे आसमान में काफ़ी बादल है लेकिन उसके बाहर से भी नीला नीला आसमान दिख रहा है, एंड यू कैन सी बिलो द कलकत्ता सिटी। ये जो नदी का जो स्ट्रिप दिख रहा है ये है गंगा नदी। ये काफ़ी देर से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, गंगा नदी का पूरा जो एंड नाउ सम स्नैक्स टाइम। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री था मेरे टिकट में, देयर वाज ऑप्शन ऑफ वेज बिरयानी, पोहा, पुलाव एंड स्नैक्स। आई टुक दिस आलमंड थिंग एंड कश्मीरी कावा ग्रीन टी। वेल गो एयर इज नाउ बीन renamed by Go First Airline। This airline, ये जो है ये actually एक economical airline है, but they do promise the timely arrival and departure। ये इनका USB है और उसके साथ services आप देख सकते हैं of the refreshment and all। और अभी बाहर पूरा ही बादल से ढक गया है।
बाहर का नज़ारा हर एक सेकंड में चेंज हो रहा है, बादल के अलग अलग शेप्स दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स यू कैन सी एज वी मूव फॉरवर्ड, कभी घने बादल, कभी जैसे लहरों जैसा। एंड अब आपको एक टूर देते हैं वशु, आई गेस आई डोंट नो मच ऑफ द पीपल हैव डन सच। ये सो ये वाटर डिस्पेंसर, और यहाँ पे कुछ वाइप्स और टिश्यूज है, और कुछ इस तरीके का है वॉशरूम, और ये लेग स्पेस देख सकते हैं। हालांकि ये एक इकोनॉमिकली एयरलाइंस है, यहाँ पे सीट नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ठीक है। और अभी हम अहमदाबाद पहुँच चुके हैं, ये देखिए एरियल व्यू शाम के वक्त अहमदाबाद सिटी का, और थोड़ी ही देर में हम लैंड करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। और अभी हम प्लेन से उतरते हुए और बस में चढ़ के अपने पहुंचेंगे एयरपोर्ट में। सो फाइनली वी आर इन अहमदाबाद। सो बेल्ट नंबर 3 से अपना ट्रॉली उठाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बाहर कैब भी आ गए हैं, मेरा होटल थोड़ा दूर है एयरपोर्ट से। Do not forget to click the bell icon ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मेरे लेफ्ट साइड में ये जो देख सकते हैं रिवर, ये साबरमती रिवर है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड द होटल। वैसे कलकत्ता से अहमदाबाद आने में जितना टाइम लगा उससे ज़्यादा लग गया एयरपोर्ट से होटल आने के लिए। अभी हम चले डिनर करने ईट पंजाब में। रेस्टोरेंट पे बहुत भीड़ था, इसीलिए मैं फूड पार्सल करा ले रहा हूँ, रूम पे जाके खाऊंगा। रेस्टोरेंट पे एक्चुअली लाइन लगा हुआ है, तो इतना भीड़ है तो होपफुली खाना अच्छा होगा, देखते हैं। खाना अभी पार्सल कर लिया है, रूम में जाके खाएंगे। And this is the next day, early morning 5 o'clock. And thank you guys for watching today's vlog. Kindly like, share, and subscribe my channel. Aur Ahmedabad ke aur bhi vlogs aate rahenge aage. So do not forget to click the bell icon. Till then, take care, bye bye.